नवाज शरीफ ने वाजपेयी से फोन पर दो हफ्ते पहले ही कह दिया था, अगर लाहौर बस आएगी तो उसमें आप जरूर आएंगे और पाकिस्तान में आपकी जबरदस्त मेहमान नवाजी होगी। हुआ भी ऐसा ही, वाजपेयी और उनके साथ बस में गई हस्तियों का जबरदस्त स्वागत हुआ। अगले दिन के अखबारों में वाजपेयी की तस्वीर थी और उनकी लाहौर यात्रा के चर्चे थे। लाहौर जाने वाली बस में मुसाफिर बनकर देवानंद भी गए थे। वो जब लौटे तो बताया था कि पाकिस्तान में कितनी मोहब्बत उन्हें मिली। इतना ही नहीं, पाकिस्तान में वाजपेयी का रुतबा किस कदर बढ़ चुका है। दिल्ली बाय बस टू वाघा एंड दिल्ली से बस के द्वारा हम वाघा बॉर्डर तक पहुंचे। बस में पीएम और उनका डेलीगेशन था। उधर वाघा के दूसरी तरफ पाकिस्तान के पीएम और उनके मंत्री इंतजार कर रहे थे। ऐसा नहीं था कि वाजपेयी का लाहौर बस लेकर जाना बेहद आसान था। दरअसल पाकिस्तान के राइट विंग ग्रुप्स ने वाजपेयी का जबरदस्त विरोध भी किया था। जिस वक्त वाजपेयी गवर्नर हाउस जा रहे थे, उस वक्त जमाते इस्लामी और जमात उद दावा नाम के संगठनों ने सड़क पर जबरदस्त विरोध किया, गाड़ियां जलाई, नारेबाजी की। जाहिर है वाजपेयी लाहौर यात्रा को लेकर काफी सहज थे। उन्हें अंदाजा था कि पाकिस्तान में क्या कुछ हो सकता है।